हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परफॉर्म्ड एजुकेशन। हमने अपनी पिछली वीडियो में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक देखा था। आज हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, लेट ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2x3 एंड बी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3x1। फाइंड ए बी एंड बी ए। आपको ए बी फाइंड आउट करना है और बी ए फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ए बी के लिए हमें पहले ए मैट्रिक्स आगे रखना होगा, बी मैट्रिक्स के पीछे रखना होगा। मल्टीप्लिकेशन करने से पहले हमें चेक करना होगा कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है भी या नहीं। तो इसके लिए हमने देखा था कि जो सबसे आगे मैट्रिक्स होती है, मतलब पहली जो मैट्रिक्स होती है उसके लिए नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरी जो मैट्रिक्स है उसके लिए नंबर ऑफ रोज। देखिए, यहाँ पर ए मैट्रिक्स के लिए रो है 2, कॉलम है 3। बी मैट्रिक्स के लिए रो है 3, कॉलम है 1। तो यहाँ पर इसका कॉलम और इसका रो इक्वल है, इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले हमने रो लेना है, रो 1 और इसका कॉलम 1। रो 1 के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे, साथ साथ ही ऐड होते जाएंगे। मल्टीप्लाई करते हैं 2 × −1। आगे एलिमेंट है तो वो ऐड होगा, −1 × 2। इसके भी आगे एलिमेंट है तो वो मल्टीप्लाई होके ऐड होगा, 2 × 5। अब हमारे पास यहाँ पर एक ही कॉलम है तो एक ही एलिमेंट आपका बनेगा। अब इसके बाद रो 2 में आ जाइए, 0, 4, 6, ये मल्टीप्लाई होगा कॉलम 1 के साथ। लेकिन हम नीचे आ गए हैं तो एलिमेंट भी नीचे होगा, 0 × −1 प्लस 4 × 2 प्लस 6 × 5। सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा −2 प्लस 10, 0, 8 प्लस 30। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, 2x1। हमने देखा, ये भी देखा था कि अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ कॉलम्स है और नंबर ऑफ रोज, जो इक्वल पार्ट है उसको हटा देंगे तो आपके पास आने वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको मिल जाएगा। तो 2 और 1 हमारे पास बचा तो ये हमारी आने वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर है। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आया −4 + 10 और इनको ऐड करिए 38 आया। तो हमारे पास ए बी जो मैट्रिक्स है वो आई 6 और 38 एलिमेंट्स, जिसका ऑर्डर है 2x1। हमने ए बी फाइंड कर लिया है, अब हम बी ए फाइंड आउट करते हैं। बी ए के लिए आपने बी मैट्रिक्स पहले रखना है, ए मैट्रिक्स उसके बाद, एंड बी के लिए उसके नंबर ऑफ कॉलम्स देखेंगे जो कि 1 है, एंड ए के लिए उसकी नंबर ऑफ रोज देखेंगे जो कि 2 है। 1 इक्वल नहीं है 2 के, 1 इक्वल नहीं है 2 के, दैट मीन्स इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए, बी ए नॉट पॉसिबल। देखते हैं कि ये क्यों पॉसिबल नहीं है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि ये मल्टीप्लाई हो नहीं सकते। ए, ये हमारी बी मैट्रिक्स है, ये हमारी ए मैट्रिक्स है। ए के लिए आपको, इस मैट्रिक्स के लिए आपको रो लेना है, इसके लिए कॉलम। इस रो में −1 है, इसमें कॉलम में 2 और 0 है। इस रो में सिर्फ एक ही एलिमेंट है लेकिन इस कॉलम में 2 एलिमेंट है। हम −1 को 2 के साथ तो इंटू कर सकते हैं, लेकिन इस रो में कोई और एलिमेंट नहीं है जो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो, तो इसीलिए इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। एक और क्वेश्चन देखते हैं मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड। क्वेश्चन है, लेट ए मैट्रिक्स आपको गिवन है जिसका ऑर्डर है 3x1 एंड बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1x3। फाइंड ए बी एंड बी ए। आपको इसमें भी ए बी फाइंड आउट करना है एंड बी ए फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ए बी के लिए आपने ए मैट्रिक्स रखी है, बी मैट्रिक्स रखी है। सबसे पहले चेक कीजिए इनका नंबर ऑफ कॉलम और इसका नंबर ऑफ रो। यहाँ पर हमारे पास ए के लिए नंबर ऑफ कॉलम है 1, बी के लिए नंबर ऑफ रोज है 1, दोनों ही सेम है। उनको अगर हम हटा दें तो हमारे पास 3 और 3 बचा। इसका मतलब आगे आने वाली मैट्रिक्स जो होगी उसका ऑर्डर 3x3 होगा।
तो स्टार्ट करते हैं इनका मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले लीजिए रो, तो रो में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, और इस केस में लीजिए इसका कॉलम, कॉलम में भी हमारे पास एक ही एलिमेंट है, तो एक ही एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आगे कोई एलिमेंट नहीं है इसका मतलब वो ऐड नहीं होंगे। वन की मल्टीप्लाई हुई थ्री के साथ, मल्टीप्लाई हो गया। अब यही रो सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी जो कि है फाइव, तो वन इंटू फाइव थर्ड कॉलम के साथ। तो ऐसे ऐसे वो हमारे एलिमेंट्स बनते जाएंगे, वन इंटू थ्री, वन इंटू फाइव, वन इंटू माइनस टू। अब रो वन के बाद आप आ जाइए नेक्स्ट रो टू में, टू इंटू थ्री, टू इंटू फाइव, टू इंटू माइनस टू। थर्ड रो के लिए नीचे आ जाइए, माइनस वन इंटू थ्री, माइनस वन इंटू फाइव, माइनस वन इंटू माइनस टू। इनको सॉल्व करते हैं, वन इंटू थ्री का हो जाएगा थ्री, वन इंटू फाइव फाइव, वन इंटू माइनस टू माइनस टू, सिक्स टेन, माइनस फोर माइनस थ्री माइनस फाइव एंड पॉजिटिव टू, क्योंकि माइनस इंटू माइनस टू, माइनस वन इंटू माइनस टू कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों के साइन, तो पॉजिटिव टू आ जाएगा। ऑर्डर हुआ थ्री बाय थ्री। बी ए फाइंड आउट करते हैं। बी के लिए हमारे पास ऑर्डर है वन बाय थ्री, ए के लिए हमारे पास ऑर्डर है थ्री बाय वन। तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स, इसके नंबर ऑफ रोज दोनों ही सेम है, और आगे आने वाली जो मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर होगा वन बाय वन। सॉल्व करते हैं। बी ए के लिए थ्री फाइव माइनस टू, ये इसका रो है, वन टू माइनस वन कॉलम है, थ्री इंटू वन प्लस, क्योंकि आगे थ्री के एलिमेंट है, फाइव इंटू टू प्लस माइनस टू इंटू माइनस वन। अब नीचे आगे ना कोई और कॉलम है तो हमारे पास इसे सॉल्व करके आएगा थ्री प्लस टेन प्लस टू, इन सबको ऐड कर दीजिए, वी गेट फिफ्टीन। तो बी ए का मैट्रिक्स का एलिमेंट आया फिफ्टीन, सिर्फ फिफ्टीन, जिसमें एक कॉलम है एक रो है, एक रो एक कॉलम। एक और क्वेश्चन देखते हैं। लेट ए, ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है एंड सी मैट्रिक्स। शो करना है आपने कि ए और बी जो है वो इक्वल होगा जीरो टू बाय टू के। ए और बी क्या, ए और बी का मल्टीप्लाई करके आपको एक नल मैट्रिक्स मिलेगी। जीरो टू बाय टू मैट्रिक्स को हम एक नल मैट्रिक्स कहेंगे जिसमें सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। एंड आपको इसमें एक और चीज़ शो करनी है कि ए बी की मल्टीप्लिकेशन से और ए सी की मल्टीप्लिकेशन से जो आएगा वो इक्वल होगा। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ए बी हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा, हमें इसे शो करना है कि वो ज़ीरो एक नल मैट्रिक्स होगी या नहीं। तो ए आगे रखिए, बी मैट्रिक्स पीछे रखिए। इसके लिए देखिए इसका नंबर ऑफ कॉलम्स और इसका नंबर ऑफ रोज इक्वल है, और जो आगे आने वाली मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर भी टू बाय टू होगा। तो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जीरो इंटू फाइव प्लस थ्री इंटू ज़ीरो, आगे का एलिमेंट ज़ीरो, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ज़ीरो इंटू थ्री प्लस थ्री इंटू ज़ीरो। फर्स्ट रो के लिए दोनों कॉलम्स हो गए हैं, अब सेकेंड रो की टर्न है। सेकेंड रो के लिए फर्स्ट कॉलम नीचे आ जाइए, ज़ीरो इंटू फाइव प्लस फाइव इंटू ज़ीरो। सेकेंड रो के लिए सेकेंड कॉलम ज़ीरो इंटू थ्री प्लस फाइव इंटू ज़ीरो। कैलकुलेट करके मेरे पास आया ज़ीरो, ज़ीरो इंटू फाइव ज़ीरो होगा प्लस थ्री इंटू ज़ीरो ज़ीरो होगा, ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो, तो सारे एलिमेंट्स मेरे ज़ीरो हो गए। तो इस मैट्रिक्स को, ये टू बाय टू का मैट्रिक्स है, इसको हम एक नल मैट्रिक्स कहेंगे। तो ए बी इक्वल हो गया ज़ीरो टू बाय टू। ए बी के मल्टीप्लिकेशन से मेरे पास एक नल मैट्रिक्स आई। अब हमें ए सी फाइंड आउट करना है। ए सी के लिए आप ए रखिए आगे, सी रखिए पीछे, इसमें भी आपका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो स्टार्ट करते हैं, ज़ीरो इंटू सिक्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम प्लस थ्री इंटू ज़ीरो, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ज़ीरो इंटू सेवन प्लस थ्री इंटू ज़ीरो। फर्स्ट रो के लिए दोनों कॉलम्स हो गए हैं, अब सेकेंड रो के लिए दोनों कॉलम्स कीजिए, ज़ीरो इंटू सिक्स प्लस फाइव इंटू ज़ीरो, ज़ीरो इंटू सेवन प्लस फाइव इंटू ज़ीरो। ये सॉल्व करके मेरे पास मैट्रिक्स आई ज़ीरो 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 ज़ीरो, ये भी मैट्रिक्स मेरे पास एक नल मैट्रिक्स आई। तो हम कह सकते हैं कि ए बी इक्वल्स टू ज़ीरो ऑफ ऑर्डर टू बाय टू। मेरे पास जो मैट्रिक्स आई थी ए बी वो भी नल मैट्रिक्स थी, और ए सी भी नल मैट्रिक्स हो गई।
तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। तो अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस किए उनसे हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव, ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। ए बी कभी इक्वल नहीं होगा बी ए के। हमने अपने पिछले क्वेश्चंस में देखा जिसमें हमने ए बी भी फाइंड आउट किया बी ए भी फाइंड आउट किया, दोनों ही अलग अलग आ रहे थे, इसका मतलब कि ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। सेकेंड प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की एसोशिएटिव, कि एसोशिएटिव है। एसोशिएटिव से मतलब होता है कि अगर हम तीन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसमें ए बी को पहले मल्टीप्लाई करते हैं और फिर बाद में सी के साथ करेंगे तो वो हमेशा इक्वल आएगा, अगर हम बी सी को पहले कर लें फिर ए के साथ करें तो। मतलब आप किन्हीं को भी पहले मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास एंड में जो मैट्रिक्स आएंगी वो इक्वल होंगी। ये होती है एसोशिएटिव प्रॉपर्टी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।